मथुरा के रहने वाले आर्मी जवान नायक सूबेदार शिव कुमार की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। छुट्टी खत्म होने के बाद वापस ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए जैसलमेर जा रहे शिव कुमार कार और ट्रक की भिड़ंत में हादसे का शिकार हो गए और उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। शिव कुमार का परिवार देश की सेवा में समर्पित है। उनके पिता भी आर्मी से रिटायर्ड हैं, उनके छोटे भाई भी आर्मी में अभी भी सेवा दे रहे हैं। घटना नागौर राजस्थान के पास हुई। उसके बाद सैनिकों द्वारा शिव कुमार के पार्थिव शरीर को गमगीन माहौल में गांव लाया गया। यहां पर आसपास के गांव के लोग भी शिव कुमार के अंतिम दर्शनों के लिए एकत्रित हो गए। साथ ही परिजन भी शिव कुमार की वीरता की बातें सभी को बता रहे थे और शिव कुमार को खोने का गम उनकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। शिव कुमार की मौत की जानकारी लगते ही कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण शिव कुमार के घर पहुंचे और परिवार को इस घड़ी में हिम्मत बंधाई और शिव कुमार को श्रद्धांजलि दी। चलिया भाई पीछे और उधर करो ना, इनको थोड़ा सा निकलने के लिए जगह तो चाहिए। शिव कुमार मेरा लड़का था सर जी, यहाँ आर्मी में सर्विस करता था। इसकी 13 साल नौकरी हुई थी। ये जैसलमेर में पोस्टिंग था और ये आर्मी में शहीद हो गया है। इनके 2 बच्चे हैं, बड़े लड़के का नाम कार्तिक है, दूसरा बच्चे का नाम ऋषभ है। छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरी प्रशासन से मांग है इन बच्चों के लिए कुछ मदद हो जाए। प्रशासन से कोई आए थे? प्रशासन से सर हमारे यहाँ माननीय लक्ष्मी नारायण आए थे, कारिंदा सिंह विधायक कारिंदा सिंह आए थे, कुमार नरेंद्र सिंह आए थे। उन्होंने तो सर हमने रिक्वेस्ट की है, उनको बताया है, उन्होंने बोला देखेंगे हम। बताया पत्नी जो है पढ़ी लिखी है। अब हमने तो बताया हमने तो बताया था सर उनकी औरत है जो ग्रेजुएशन है, बीएससी है, उसको कहीं कोई नौकरी मिल जाए तो सर ठीक है, उसका बच्चों का पालन पोषण हो जाएगा। सर हमारी आपसे प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के सर हमारी रिक्वेस्ट यही है कि हमारी बच्चों का पालन पोषण हो जाएगा, उस बच्ची को नौकरी मिल जाए। सर आज शहीद शिव कुमार के अंतिम संस्कार में हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बड़ा दुखद रहा, अभी यहाँ मथुरा से ही गए थे छुट्टी बनाकर, उनके मित्र की नई गाड़ी थी जबकि रेलवे में इनका रिजर्वेशन था। पाई रोड यहाँ से जा रहे थे स्विफ्ट से और इनका नागौर के पास का दुर्घटना हुई और उस व्यक्ति की दूसरे की जिसकी गाड़ी थी तो वही मृत्यु हो गई। इन्होंने 24 घंटे करीब संघर्ष किया जीवन मृत्यु से और इनका नागौर में इंतकाल हो गया। जवान जब फौज में जाता है तो कफन बांध के ही जाता है और देश के लिए जान कुर्बान करने के हौसले से जाता है, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत अल्पकाल में इनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई दुर्घटना में। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करूँगा कि इनकी पत्नी, मुझे जैसा पता लगा कि बीएससी पास है, तो उनको एक तो सरकारी नौकरी या तो फौज में ही किसी जहाँ भी उनकी एजुकेशन के हिसाब से उनको मिल सकती है या शासन द्वारा उनको नौकरी एक सुविधा दी जाए जिससे कि वो अपने दोनों नाबालिग नाबोध बच्चों का पालन पोषण कर सकें और घर को सुचारू रूप से चला चले। जो व्यक्ति पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन मेरे स्वर्गीय नाना राव कृष्णपाल सिंह भी फौज में थे। वो कहते थे जो फौज में सरहद पर या अपनी ड्यूटी करते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है वो सीधा बैकुंठ जाता है। तो मैं इनकी पुण्यात्मा के लिए प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि उनको अपने चरणों में बास दे और शोक संतप्त हार को धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करे। ये राम निवास पहले से हमारे हाथिया गांव, जो मेरे छाता विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, वहां के रहने वाले हाल निवासी यहाँ मथुरा में है, मकान बनवा रखा है।
वहाँ से ये अपनी छुट्टी आए हुए थे, सेना में सेवा करते थे। कल ये वापस जा रहे थे, विधि का विधान है। रेलवे से इनका रिजर्वेशन था। एक इन्हीं का साथी जो इन्हीं की कंपनी में सेवा करता है सेना में, उसने नई गाड़ी खरीदी। वो यहाँ गाड़ी लेके आया और कहने लगा कि साथ साथ ही चल रहे हैं गाड़ी में। ये एक्सीडेंट इनका रास्ते में वहाँ हुआ और एक्सीडेंट में दोनों ही हुआ, दोनों की ही जवान, दोनों जवानों की मृत्यु हो गई। राम निवास के दो पुत्र हैं जो अभी बिल्कुल अल्पायु है। उनके पिताजी विजेंद्र सिंह जी भी शहीद सेना में, सेना से रिटायर हैं, और राम निवास का छोटा भाई भी सेना में ही सेवा करता है। अब जो भी, अच्छा शिव कुमार, कागजों में शिव कुमार है, कागजों में राम निवास का नाम शिव कुमार था, इसलिए जो भी संभव जो सेना का नियम है उसी तरह से सहायता भी बच्चों की होगी। हमारे यहाँ ये प्रावधान है, जो सेना लिख के भेज देती है हमारे उत्तर प्रदेश शासन को, हम उसी तरह से उस जवान की मदद करते हैं। जिस तरह से सेना का मार्गदर्शन होगा, जो वहाँ से लिख के आएगा, उसी तरह से परिवार की मदद की जाएगी। दूसरे ये है, एक वैसे भी इससे अलग हटके भी मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से इनके परिवार की पूरी मदद करने के लिए अनुरोध करूँगा और एक प्रार्थना पत्र भी दूंगा। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।